गोपाष्टमी को लेकर भागलपुर के श्री गौशाला में मंगलवार को गोपाष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान सुबह से ही लोगों के गौशाला आने का सिलसिला शुरू हो गया, जहां छोटे बच्चे, युवक युवतियों और महिलाओं के साथ हर उम्र के लोगों ने गौ माता को हरी घास, रोटी समेत कई तरह की भोजन सामग्री खिलाई और गौ माता को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। गोपाष्टमी को लेकर मेला का भी आयोजन किया गया, जिसमें घरेलू उपयोग के लिए लकड़ी की सामान, खिलौने, गुब्बारे, खाने पीने की सामग्री के अलावा कई तरह के वस्तुओं की दुकानें सजाई गई। वहीं इस दौरान गाय को चारा खिलाते हुए बच्चों और महिलाओं में काफ़ी खुशी दिखी, जबकि पूरी श्रद्धा के साथ लोगों ने गौ पूजन कर सभी लोगों से गौ को भोजन खिलाने के साथ उनकी पूजा कर नमन करने की बात कही। इधर गौशाला में साफ सफाई कर सभी गौवंश को नहलाने के बाद रंग बिरंगे कपड़े पहना कर सजाया गया, जबकि इस दौरान पूरे गौशाला का रंग रोगन कर आकर्षक ढंग से लाइट और सजावटी सामानों से सजाया गया। मंगलवार को महोत्सव के मुख्य समारोह के लिए जिला प्रशासन और आयोजन समिति की ओर से व्यापक तैयारियां की गई, जबकि इस दौरान पूरी गौशाला परिसर और आसपास का इलाका गोपाष्टमी महोत्सव के रंग में रंगा दिखाई दिया। मौके पर आयोजन समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ शहर के अलग अलग संगठन के सदस्य, बुद्धिजीवी और काफी संख्या में गौ सेवक एवं शहरवासी मौजूद रहे। भागलपुर के सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम में अक्षय नवमी को लेकर बिहार, झारखंड सहित अन्य जगहों के शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी रही। इस दौरान उत्तरवाहिनी गंगा तट पर मुंडन कराने के लिए सुबह से ही अजगैबीनाथ गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। बता दें कि कार्तिक मास की अक्षय नवमी तिथि को मुंडन कराने का शुभ दिन माना जाता है और इन दिनों को आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। विशेषकर बिहार, झारखंड सहित कई जगहों के शिवभक्त उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाने पहुँचते हैं, जहाँ गंगा स्नान कर पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही लोग अपने बच्चों का मुंडन संस्कार भी कराते हैं। इसके अलावा काफी संख्या में शिव भक्तों ने स्नान और पूजन के बाद वैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम की पैदल यात्रा शुरू की। वहीं इसको लेकर पुलिस पदाधिकारियों द्वारा गंगा घाटों से लेकर पूरे शहर में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जिससे किसी तरह की परेशानी या व्यवधान उत्पन्न ना हो। जबकि सुल्तानगंज नगर परिषद के द्वारा पूरे शहर एवं गंगा घाटों पर साफ सफाई के साथ कई तरह की व्यवस्था की गई थी। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजन सोमवार की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही संपन्न हो गया, जिसको लेकर भागलपुर समेत देश और दुनिया के अलग अलग स्थानों पर छठ व्रतियों के द्वारा छठ पूजन किया गया। वहीं छठ महापर्व को लेकर दानवीर कर्ण की धरती भागलपुर के नाथनगर, चंपा नदी घाटों पर भी हजारों की संख्या में छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा रहा। सिल्क नगरी भागलपुर के चंपा नदी घाट पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखने मिला, जहां सभी आयु वर्ग के भक्तों और लोगों ने अर्घ्य देकर भगवान भास्कर और छठी मैया से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व में बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, SSP आनंद कुमार, SDO धनंजय कुमार, CTDSP अजय चौधरी, नाथनगर की अंचलाधिकारी स्मृता झा समेत नगर के पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी भी चंपा नदी घाट पहुंचे और घाट पर की गई पूरी व्यवस्था का निरीक्षण कर जायजा लिया। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। भागलपुर में पहली बार 24 हफ्ते डकैती।
भागलपुर के मिर्जान हाट स्थित गणेश इनक्लेव अपार्टमेंट में मंगलवार को केशव प्रेरणा बाल परिवार की ओर से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ की शुरुआत हुई, जिसमें श्रीधाम वृंदावन से पहुंचे कथावाचक व्यास नीतीश कृष्ण शास्त्री के द्वारा भागवत कथा के प्रसंग पर कथावाचन किया गया। सनातन धर्म में कार्तिक मास के दौरान भागवत कथा का विशेष महत्व माना जाता है, जिसको लेकर भागलपुर समेत देश भर में अलग अलग जगहों पर भागवत कथा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। 27 नवंबर तक चलने वाले भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान विनोद रुंगटा और कविता रुंगटा समेत उनके परिवार के सदस्यों और अलग अलग जगह से आए भागवत प्रेमियों ने हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान नीतीश कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भागवत पुराण के महत्व के बारे में कथा वाचन करते हुए श्रद्धालुओं को इसके महत्व की जानकारी दी गई और अपने दैनिक जीवन के कर्तव्यों के साथ ईश्वर भक्ति में लगन लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि परमात्मा के शरण में खुद को निस्वार्थ भाव से समर्पित करने वालों को हमेशा ईश्वर की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि महात्मय ज्ञान के बिना प्रेम चिरंजीवी नहीं होता, जबकि इस दौरान कुंती स्तुति, परीक्षित जन्म और सुखदेव आगमन की कथा पर नीतीश कृष्ण शास्त्री ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। भागवत कथा के दौरान अंजलि शर्मा, आशीष शर्मा, गोविंद शर्मा, रिंकू और प्रमोद समेत कई वादक, कलाकार और पुरुष एवं महिला श्रद्धालु मौजूद रहे। बिहार और उत्तर भारत के सबसे बड़े लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर जहां छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं में गहरी आस्था देखने को मिली, वहीं एक ओर जहां छठ व्रती की कड़ी तपस्या से पूजा संपन्न कराई गई, तो कुछ लोगों द्वारा इस महापर्व के नाम पर फूहड़ता परोसने का काम किया गया। दरअसल सनहौला के धुआवे गांव में छठ पूजा के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में रात भर भोजपुरी के अश्लील गानों पर बार बालाओं का अश्लील नृत्य कराया गया, जो आस्था के नाम पर सीधा खिलवाड़ है। वहीं इस दौरान शराब के नशे में मंच पर बार बालाओं के साथ नृत्य कर रहे लोगों ने जमकर हंगामा किया, जिसमें सनहौला प्रखंड प्रमुख अनिल पासवान भी नशे में ठुमके लगाते नजर आए। बता दें कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि सिल्क टीवी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, पर लोग तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। भागलपुर पीरपैंती के राजगंज निवासी मोहम्मद अंसार अली के पुत्र सालिक अहमद ने उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में आयोजित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT मेघालय के 10वें दीक्षांत समारोह में सालिक अहमद को उत्कृष्ट अकादमिक और अतिरिक्त कौशलों के लिए राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। बता दें कि सालिक अहमद को सिविल इंजीनियरिंग में प्रमुख प्रदर्शन के लिए सिल्वर पदक भी प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर छात्र नेता मोहम्मद गुलफराज समेत कई लोगों ने सालिक अहमद को अपनी ओर से बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। साथ ही पूरे गाँव सहित भागलपुर वासियों में खुशी का माहौल है। इसको लेकर सालिक अहमद ने बताया कि यह सम्मान उनके जीवन का एक अद्वितीय संगीत है, जो अच्छी शिक्षा और अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों में उच्च स्तर के प्रदर्शन के बाद प्राप्त हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण समय पर वह अपने माता पिता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमेशा उनका साथ दिया और पढ़ाई एवं कौशल विकसित करने में उनके साथ खड़े रहे।